जी मैं इस गंदाफा की एक इलाके में मौजूद हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये जदीद सिब्बी इसका नाम है, जो कि इंतहाई कदीम हो गया इन बारिशों में। ये कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? संगीन। संगीन इसका नाम है। तुम्हारा घर कहाँ है? घर है जी, टूट गया है। कब से? कब से टूटा? और हम बारिश में टूट गया। बारिश में टूटा है। तुम्हारे पास कोई है कपड़ा ऊपर लेटा हुआ, शीट वगैरह है? खाने को दिया किसी ने बाहर से आके? खाना क्या कहते हो? इच्छा दिन भूखे कैसे रहते फिर? कैसे कुछ तो खाते हो गए? बिस्कुट कोई देने आता है शहर से इधर? नहीं आप इससे पूछे बलोचे में कोई शहर से देने आए खाना वाना? अजी आप कैसे मांगे शहर देंगे? बिस्कुट देगा आगे ना, इधर खोराक देगा आगे ना, बस हमें वही गंदी में आ रहे हो। ये बच्चे हैं कि जो 20 किलोमीटर दूर, कोई ज़्यादा फासला नहीं है मोहम्मद से, जहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ा बेस कैंप भी बना हुआ है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। इनको पास ना खुराक आ रही है ना कोई शेल्टर आ रहे हैं। घर दूसरा मैं ही देख रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ सिर्फ़ार आए ज़रा, ये बिल्कुल दीवारें गिर चुकी हैं और ये लोग यहाँ से ब्रेक कर चुके हैं, रोड पर बैठे हैं। और रोड पे मैं भी जाके देखता भी हूँ और वीडियो में बनाता भी हूँ कि कोई एक किसी के पास शेल्टर है तो किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों ने चारपाई को उल्टा करके शेल्टर बनाया हुआ है, तो कुछ लोग कुछ कपड़े बांध के। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लिए भी कुछ, इस इलाके के लिए जो कुछ हमारे पास है, जो हमारे डोनर्स भेज सकें, एटलीस्ट एक सिटी बनाए यहाँ पे टेंट विलेज का, और कुछ खुराक लेकर आएँ ताकि ज़िंदा रहने के लिए जो मिनिमम हो सकता है वो तो हम प्रोवाइड कर सकें। और जो लोग मेरे ये दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो गुजारिश है काइंडली इस इलाके को, और जिसका नाम जदीद सिब्बी है, इसको शाउट आउट करें ताकि नज़रों में आए, ऐसा ना हो कि इंसान ये मरना शुरू कर दें, बीमारियाँ फूट जाएँ। बहुत शुक्रिया।